वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, फटाफट लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्कोरिंग मैट्रिसेस, स्कोरिंग मैट्रिसेस जो होता है पैम, ठीक है। दो मैट्रिसेस होते हैं, एक होता है पैम एक होता है ब्लॉसम। क्वेश्चंस आते हैं पैम और ब्लॉसम से, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है जी। पैम और ब्लॉसम, पैम का मतलब होता है परसेंटेज एक्सेप्टेड म्यूटेशन, एंड ब्लॉसम का मतलब होता है ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। पैम और ब्लॉसम के बारे में बात करें, पैम जो होता है परसेंटेज एक्सेप्टेड म्यूटेशंस, एंड ब्लॉसम का मतलब होता है ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। पैम जो होता है ये डेहॉफ ने दिया था, ये इवोल्यूशनरी टी के टाइम पे जो होता है परसेंटेज म्यूटेशन को मेजर करता है। अगर पैम वन है, पैम वन जो होता है उसका मतलब है 1% म्यूटेशन। पैम 20 है तो उसका मतलब 20% म्यूटेशन। पैम जो होता है वो बताता है डिफरेंसेस इन द सिक्वेंसेस, क्या बताता है ये, डिफरेंसेस को बताता है कितना परसेंट म्यूटेशन या डिफरेंसेस हुआ है, परसेंटेज एक्सेप्टेड म्यूटेशन। पैम जो होता है, पैम जो इसी तरीके से होता है पैम और ब्लॉसम, अभी मैं इसके आगे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ब्लॉसम के बारे में पहले लर्न कर लीजिए। ब्लॉसम जो होता है, ब्लॉसम हेनिकॉफ ने डिस्कवर किया था। ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक्स इज वॉट कंजर्व्ड रीजन हैविंग नो गैप। ब्लॉक्स को बोलते हैं कि ऐसा कंजर्व्ड रीजन जिसके पास कोई भी गैप नहीं होता, और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लॉक्स डेटाबेस। ब्लॉसम डेटाबेस के लिए होता है, लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। अब बात आती है लोकल और ग्लोबल क्या होता है, तो वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ कि लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट होता क्या है। एंड ब्लॉसम जो होता है, जैसे ब्लॉसम 50, 60, 62, 80, सिमिलरिटी जितना नंबर ब्लॉसम का बढ़ाओगे उतनी ही डिफरेंसेस बढ़ते, उतने ही सिमिलरिटी बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या बढ़ाता है, ये आपके सिमिलरिटी को बताता है। ब्लॉसम बताता है सिमिलरिटी को, पैम बताता है आपको, पैम बताता है डिफरेंसेस को। ब्लॉसम जो होता है वो 62 जो होता है सबसे डिफॉल्ट मैट्रिक्स होता है किसी भी ब्लास्ट जो होता है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट के बारे में भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें ब्लॉसम के बारे में आता है। अब देखना कि पैम और ब्लॉसम कैसे चलेगा, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत आता है जो मैंने नीचे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। पैम अगर हाइयर नंबर पे जाओगे तो वो लोअर नंबर से ही डिराइव्ड होता है। देखिएगा, पैम वन और पैम वन को मल्टीप्लाई करोगे तो पैम टू बनेगा, पैम वन को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पैम 10 बनेगा, अगर पैम 250 निकालना है तो 250 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पैम 250 बनेगा। अब कब किस तरीके से चलेंगे, अगर कोई भी दो सीक्वेंस जिसमें की मॉडरेट सिमिलरिटी है, क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है जी, इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देख लो, इसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर सिमिलरिटी मॉडरेट है, ज्यादा है या क्या है। अगर सिमिलरिटी मॉडरेट सिमिलरिटी है, अगर मॉडरेट सिमिलरिटी है, अगर हाई सिमिलरिटी है, अगर हाई सिमिलरिटी है तो पैम वन होगा। क्यों, पैम मिनिमम होगा, पैम कम होगा क्योंकि पैम डिफरेंसेस बताता है। समझ में आ रहा है ना, पैम हमेशा मिनिमम होगा, ये जो बताता है वो डिफरेंसेस को बताता है, इसलिए इसके हाई नंबर पे डिफरेंसेस चलेंगे। ये डिफरेंसेस बताता है पैम और ये बताता है सिमिलरिटी, तो जो पैम का डिफरेंसेस पे हाई नंबर चलेगा, सिमिलरिटी पे कम नंबर चलेगा। लेकिन ब्लॉसम जो है वो 80 आएगा, ब्लॉसम 80 आया है, समझ में आ रहा है। हाई सिमिलरिटी पे पैम 1, ब्लॉसम 80, मॉडरेट पे पैम 10 और ब्लॉसम 60, एंड डिफरेंसेस जब हाई होता है, जब बहुत हाई डिफरेंसेस और लेस सिमिलरिटी हो, बहुत ही लेस सिमिलरिटी हो, तो इस केस में आता है पैम 250 एंड ब्लॉसम 50। समझ में आया या नहीं, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि पैम जो होगा वो डिफरेंसेस को बताता है, तो सिमिलरिटी के केसेस पे उसका नंबर कम होगा, ब्लॉसम का नंबर जो होगा ज्यादा होगा क्योंकि सिमिलरिटी बताता है, और हायर डिफरेंसेस पे पैम ज्यादा होगा और ब्लॉसम मिनिमम होगा, ठीक है। चलो, सीएसआईआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआईआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।